हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा, एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आ गई हूँ एक फैशन के वीडियो के साथ, बड़े दिन बाद। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 सूट पैटर्न के बारे में बात करूँगी जो पहले तो बहुत ट्रेंड में चलते थे, बट अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ ट्रेंड है। कहीं आप ये सूट पहन के अपने लुक को फैशन से आउट तो नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड से आउट तो नहीं कर रही हैं? अगर आप ट्रेंडी रहना चाहते हैं, फैशनेबल दिखना चाहते हैं, तो इन सूट डिज़ाइन को अब डिस्कार्ड करिए। साथ ही मैं इन सूट पैटर्न का कि आप इनको किस तरह दूसरी तरह स्टाइल करके अपने इन्हीं कुर्तीज़ को, इन्हीं सूट को नया लुक दे सकती हैं। अगर आपके वो सूट नए ही रखे हैं और आपने नहीं पहने ज़्यादा, तब के लिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, बढ़ते हैं आज के वीडियो पे, आज के टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैं जिन सूट पैटर्न की बात करने जा रही हूँ, अगर आप ऐसे सूट पैटर्न पहनती हैं तो आप फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग काफ़ी पीछे चल रही हैं, तो आप उन्हें डिस्कार्ड करें या फिर उन्हें नए रूप में, उनको नया लुक कैसे दें। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नी लेंथ, जो नी के नीचे थोड़ी सी अनारकली चलती थी, बीच में पहले बहुत चलती थी शॉर्ट लेंथ की अनारकली, लेंथ अनारकली और उसके साथ लेगिंग्स या फिर चूड़ीदार, तो ये इस तरह के सूट बहुत ट्रेंड में रहते थे, बट अब इस टाइम ये सूट अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपके पास ऐसा सूट है और अभी भी आप पहनती हैं, तो इसे बिल्कुल ना पहनें, क्योंकि फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ही आपको पीछे ले जाते हैं, तो ऐसे सूट आप मत पहनिए। लेकिन अगर आपका ये सूट काफ़ी नया है, काफ़ी महंगा है, तो आप इसको डिस्कार्ड तो कर नहीं सकती, तो उसका अल्टरनेटिव मैं लेके आई हूँ, उसका भी मैं जुगाड़ लेके आई हूँ। फैशन की बात तो सब करते हैं, बट उसको रीयूज़ की बात बहुत कम लोग करते हैं, तो इसको मैं रीयूज़ का आपको तरीका बताती हूँ। आप इस तरह की कुर्ती, इसके लिए आप प्लाजोस बनवा लीजिए, स्ट्रेट कट या ले लीजिए। तो इस तरह की कुर्ती अगर आप प्लाजो के साथ पहनेंगी तो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं दिखेगी। तो बढ़ते हैं दूसरे सूट डिज़ाइन पर, जो इस समय आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ ट्रेंड है, वो है शॉर्ट कुर्ती विथ पटियाला। पटियाला के साथ शॉर्ट कुर्ती का ही क्रेज़ रहता था 5-6 साल पहले। मैंने तो मेरी शादी के टाइम पे मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट कुर्ती और हैवी हैवी पटियाला पहने हैं, बट दिस टाइम वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फैशन लगता है। तो अगर आप इस तरह के पटियाला, शॉर्ट कुर्ती और हैवी पटियाला अभी भी पहनते हैं, तो आप इसे डिस्कार्ड करिए। और अगर आपके पटियाला बहुत अच्छा है, बहुत हैवी है और आप उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकती, तो उसके लिए थोड़ी सी लेंथ लंबी वाली कुर्ती बनवाइए, या फिर उसी कुर्ती में आप हैवी हैवी बॉर्डर लगा के उनको थोड़ी लंबी कर सकते हैं। तो ये था पटियाला सूट का, आप रीयूज़ कैसे कर सकते हैं और ट्रेंडी कैसे दिख सकते हैं। तो पटियाला सलवार कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती, बट शॉर्ट कुर्ती के साथ आप फैशन में नहीं है, तो आप अपनी उसी कुर्ती को लेस लगवा कर हैवी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी कुर्ती सिलवा सकते हैं। पढ़ते हैं तीसरे नंबर के सूट डिज़ाइन पे, जो इस समय आउट ऑफ फैशन है, डेट इज़ ए लाइन लॉन्ग कुर्ती। ए लाइन कुर्ती अभी भी चलती हैं, बट वो शॉर्ट में चलती हैं। शॉर्ट मीन्स जो नॉर्मल लेंथ होती है नी से नीचे, पहले लेकिन जो है एंकल तक की लेंथ की चलती थी इस टाइप की, तो वो अब नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप अभी भी ए लाइन कुर्ती लॉन्ग में पहनती हैं, तो ये भी टोटली आउट ऑफ फैशन है। इसको रीयूज़ करने का ये तरीका है कि आप इसमें स्लिट डलवा लें। बढ़ते हैं आउट ऑफ फैशन के चौथे सूट डिज़ाइन पर, जो कि है शॉर्ट कुर्ती विथ लेगिंग्स। लेगिंग्स के साथ शॉर्ट कुर्ती कॉलेज वगैरह गोइंग गर्ल्स पहनती पहनती थी, बट अभी इस टाइम ये भी फैशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रेंड है। अगर अभी भी आप लेगिंग्स के साथ शॉर्ट कुर्ती पहनती हैं कॉलेज वगैरह जाने के लिए या बाहर मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो ये फैशन भी अब बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करें लेगिंग्स के साथ लॉन्ग स्ट्रेट कट कुर्ती पहने, लेगिंग्स और स्ट्रेट कट कुर्ती का ज़्यादा फैशन है। होते हैं नंबर फाइव पे सिर्फ और सिर्फ बॉटम की मैं बात करूँगी, तो जो चूड़ीदार बॉटम होते हैं या लेगिंग्स, जो चूड़ीदार वाली लेगिंग्स होती है, ये भी बिल्कुल भी अब फैशन में नहीं दिखती, बहुत ही कम आपको कोई दिखेगा पहने हुए। तो अगर अभी भी आप चूड़ीदार वाली लेगिंग्स या चूड़ीदार सलवार पहनती हैं, कुछ ट्रेडिशनल सूट होते हैं पूरे खादी के या कॉटन के, उनके साथ चूड़ीदार पजामे अच्छे लगते हैं, बट इन डेली वेयर अगर आप चूड़ीदार लेगिंग्स पहनती हैं, तो ये भी अब फैशन में बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इस चूड़ीदार लेगिंग्स को एंकल लेंथ लेगिंग्स में स्विच करें या पैंट में स्विच करें, क्योंकि अब चूड़ीदार लेगिंग्स बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। अगर आपने पूरा सेट खरीद रखा है और आप क्या कर सकते हैं, तो आप इन्हीं लेगिंग्स को अपने टेलर के पास ले जाके आप इन्हें एंकल लेंथ करवा सकती हैं। तो ये हुई बॉटम की बात। बढ़ते हैं
लास्ट के आज के लास्ट सूट डिज़ाइन पे, डेट इज़ हैवी नेक डिज़ाइन। इस तरह के जो हैवी हैवी नेक डिज़ाइन या अनारकलीज में हैवी नेक बनते थे, एकदम पूरा आपके आते थे, आपकी नाभि तक आते थे, आपके सेंटर ऑफ बॉडी यहाँ तक के गले जो बने होते थे वो गले अब नहीं चलते सूट में। बीच में इनका बहुत ट्रेंड था, पैच वर्क में आते थे, एम्ब्रॉयडरी में आते थे, बट डिस अभी जो है इस तरह के हैवी गले बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। तो अगर आप ऐसे ऐसे हैवी हैवी गलों के जो एकदम नीचे तक रहती थी, स्पेशली अनारकली सूट वगैरह में, पाकिस्तानी सूट वगैरह में अभी भी चलते हैं, बट अनारकली हो गए और सिंपल सूट हो गए उनमें अब ये अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप इस तरह की अनारकली अभी भी पहनती हैं तो आप इन्हें डिस्कार्ड करें या फिर इनका किसी तरह रीयूज़ करें। तो ये थे सिक्स सूट डिज़ाइन, सिक्स सूट पैटर्न जो इस समय आउट ऑफ ट्रेंड है। तो अगर आप ऐसे कोई भी सूट पहनते हैं तो उन्हें आप रीयूज़ करिए या फिर डिस्कार्ड करिए। था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सी यू सून।